इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पन्ना के बारे में। एमरल्ड जैसा आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर हरा रंग का होता है, तो हरे रंग में थोड़ा सा नीला रंग मिला हुआ होता है, इसे ब्लूइस ग्रीन टू प्योर ग्रीन आप देख रहे हैं इसका रंग होता है। और इसका जो शेप बनता है इसको बोलते हैं एमरल्ड कट बोलते हैं इसको, क्योंकि ड्यू टू द क्रिस्टल शेप एमरल्ड्स आर कॉमनली कट एज रेक्टेंगुलर स्टेप कट्स कॉल्ड एमरल्ड कट्स। इसकी डेंसिटी कम होती है तो एक 1 कैरेट का एमरल्ड भी जो है ये साइज में बड़ा लगता है। अगर कंपेयर करेंगे 1 कैरेट का डायमंड से 1 कैरेट का एमरल्ड का, तो एमरल्ड का शेप साइज बड़ा लगेगा क्योंकि डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने से फुला हुआ लगता है, बड़ा लगता है। जैसे 1 किलो का वजन का कोई लोहा हो और 1 किलो का आलू हो या 1 किलो का रुई हो, कॉटन हो, तो कॉटन ज़्यादा बड़ा लगेगा या आलू ज़्यादा बड़ा लगेगा लोहे से। इस प्रकार से जो एमरल्ड होता है इसमें होता है बेरिल केमिकल कंपोजिशन, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आप देख रहे हैं 1.577 to 1.583। ये जब लेबोरेटरी टेस्टिंग करते हैं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, जो लाइट की जो डायरेक्शन मूव करता है लाइट, जैसे एयर में तो सीधा मूव करता है, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जैसे आप एक डंडे को एक स्टिक को पानी में डाल देते हैं तो टेढ़ा दिखता है। तो टेढ़ा क्यों दिखता है, क्योंकि पानी के थ्रू जब लाइट पास कर रहा है हम देख रहे हैं उसको, तो इसलिए वो टेढ़ा दिखता है। तो ये सो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक इसलिए करते हैं स्टोन्स में कि पता चले कि ये एमरल्ड है कि नहीं है। यदि एमरल्ड नहीं है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस रेंज में नहीं आएगा और कुछ आएगा। फिर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक की जाती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक मापदंड है जिसको चेक करेंगे तो 2.72 आएगा। जैसे आपके सफायर्स में, येलो सफायर पुखराज वगैरह में 3.54 होता है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.72 आएगा। और उसकी हार्डनेस जो है 7.5 to 8, हार्डनेस जो है 7.5 to 8, इससे कम है तो फिर ये दूसरा कोई स्टोन है, इससे ज़्यादा है तो भी कुछ दूसरा स्टोन है। जैसे आप पुखराज या नीलम देखेंगे तो उसमें हार्डनेस 9 होता है। तो ये तो जानने की प्रक्रियाएं होती हैं कि वे इसको कैसे पहचाने इस स्टोन को। ये स्टोन में केमिकल कंपोजिशन जो होते हैं, जैसे बताया कि बेरिल या बेरिलियम, जैसे होम्योपैथी में एक बेरिलियम मेडिसिन होता है जो कि आपके हार्ट, लंग्स, लीवर इस क्षेत्र में कुछ परेशानी हो तो ये दवाई दी जाती है। तो बेरिलियम का इस्तेमाल होम्योपैथी में है और एलोपैथी में भी होता है, तो क्योंकि स्टोन में बेरिलियम होता है तो ये नेगेटिव आयंस बेरिलियम का रेडिएट करता रहता है कि जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उससे इंटरेक्शन होता है और हमको बेरिल का डोज मिलता रहता है, दवाई के रूप में काम करता है। और जानते हैं कि ये जो स्टोन है एमरल्ड या पन्ना ग्रीन कलर का जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ ये फोटो में दिख रहा है, ये चीज़ें जो हैं इथियोपिया में मिलता है, नथन रेनफो, ये सब जगह का नाम यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से मिलता है। ये जाम्बिया का एमरल्ड स्टोन है, देखिए कितना साफ दिखता है। तो ये ब्राज़ीलियन एमरल्ड है, तो बहुत सुंदर होते हैं और ये हार्ट चक्र में काम करता है। यदि आपका हार्ट चक्र से संबंधित ग्रह बुध ग्रह वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो उसमें ये ऊर्जा की कमी होगी, तो ये स्टोन आप पहनेंगे तो आपको बुध ग्रह की एनर्जी मिलेगी। केमिकल भाषा में बात करें तो बेरिल से थोड़ी सी मात्रा में लिथियम भी पाई जाती है। लिथियम जो है साइकेट्रिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं
जब आपको बाइपोलर हो, मतलब कभी कभी एकदम डिप्रेशन हो जाना, अवसादग्रस्त हो जाना, और कभी कभी बहुत हाइपर हो जाना, इसको बोलते हैं बाइपोलर। तो लिथियम मेडिसिन खाने से बाइपोलर बीमारी दूर हो जाती है, और ना तो आप एक्सट्रीम में जाते हैं, ना बहुत गुस्सा करते हैं, ना ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप ठीक ठाक रहते हैं। तो ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है लिथियम का, तो बेरिलियम लिथियम इसमें होती है। तो इस प्रकार से आपका शरीर और मन दोनों पे एमराल्ड स्टोन का प्रभाव पड़ता है। आप हमारे से खरीदना चाहते हैं और उसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट है वाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी, देखिए वाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी, इस वेबसाइट में आप आइए। इस वेबसाइट में आपके लिए ये सब स्टोन्स और अवेलेबल हैं, जैसे एमराल्ड स्टोन है, इसमें देखिए स्टोन के बारे में बताता हूँ आपको मैं। बुध ग्रह के बारे में बता रहा था आपको मैं, ये मून हो गया, ये सैटर्न हो गया, ये मार्स है, ये मर्क्यूरी है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऐसे खुलेगा, और स्क्रॉल कीजिए, देखिए यहाँ नीचे क्लिक टू बाय एस्ट्रोलॉजिकल सुइटेबल अनहिटेड अनट्रीटेड लैब टेस्टेड सर्टिफाइड एमराल्ड, यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको ले जाएगा। देखिए ये सब दिखा रहा है, इस प्रकार से आप यहाँ से ये खरीद सकते हैं। अलग अलग रेट्स के इसमें अवेलेबल हैं, तो आप देखिए ये नीचे दिखा रखा हूँ मैंने, ये 22,000 का है, 29,600 का है, ये सभी नेचुरल जेमस्टोन्स हैं, सर्टिफाइड है और अनहिटेड अनट्रीटेड है, ये आर्टिफिशियल स्टोन्स नहीं है। नेचुरल स्टोन्स थोड़े महंगे ही होते हैं। उसी इसी वेबसाइट पे हमारे नंबर्स वगैरह भी दिए हुए हैं, और आप इस नंबर से हमको कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, और हमसे बात भी कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ सब विवरण दिए गए हैं, तो आप हमसे संपर्क करें और मुझसे बात भी कर सकते हैं। ये देखिए 9845124158 ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, और यदि आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो ये 888-498-5444 इस पर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।